Yes, due to some interruption, we regret and now come to the last point of the lecture, better attitude. By an attitude, we mean the way we feel or think about some idea or some event. कोई अमल, कोई एक्शन, कोई बात हमारे सामने हो रही हो और उसके बारे में हम सोचना शुरू कर दें, रवैया अख्तियार करना शुरू कर दें, दैट इज़ आवर एटीट्यूड. कोई काम करना शुरू कर दें, दैट इज़ आवर एटीट्यूड. देन यानी बहुत सारे बच्चे, हम बहुत सारी लर्निंग जो है बुक्स के ज़रिए नहीं करते, हम एटीट्यूड के ज़रिए हम लर्निंग करते हैं. सेकेंडली The writers say feelings that cause baseless fears are called superstitions. ऐसे एहसास, ऐसी बातें, ऐसे ख्यालात, ऐसी सोच जो हमारे अंदर खाम खा का खौफ पैदा कर दें, वो superstitions हैं. उर्दू में हम इसको तोहम-परस्ती का नाम देते हैं. इंसान शुरू में इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इस कदर इंसान डरता था कि अपने से बड़ी कोई सुपर चीज़ देख लेता था, हत्ता के अंधेरे देख लेता था तो उसने बहुत सारे अंधेरों से मुतालिक देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट वजूद में ले आया. दीज आर सुपरस्टिशंस. अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं माजी के लोगों के साथ और अब भी. पीपल ऑफ द पास्ट, वो क्या करते, सुपरस्टिशियस थे, तो हम परस्तियाँ आम थी. कतन कोई भी बात हुआ करती थी, कोई भी बात हुआ करती थी तो फौरन उसको वो अपने जहन में बिठाते और उसके मुताबिक अपने रवैया अख्तियार करते थे. सूरज ग्रहण होना, सूरज के बारे में भी उन्होंने बड़े बड़े देवी देवताओं को बनाना शुरू कर दिया, उनकी पूजा शुरू कर दी. फिर दूसरी बात क्या है, बिलीव्ड इन इविल स्पिरिट्स, वो बदरूहों पर, इस तरह की बातों पर वो यकीन करने लग जाते थे. वो इस हवाले से अपने आप को तसल्ली देने के लिए एम्बुलेट्स का इस्तेमाल करते थे, चार्म्स इस्तेमाल करते थे, अपने गले में, अपने बाजुओं में इस तरह के तावीज़ बांध लेना, सो दैट सो दे मे बी सपोर्टेड बाय सम डिवाइन पावर. ये चीज़ थी. उसके बाद फिर क्या था, वो प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग, यानी किसी भी बच्चे की पैदाइश पर ये भी हो सकता था कि उसको नजूमी लोग बताया करते थे इसकी किस्मत अच्छी होगी या बुरी होगी. बहुत से ऐसे अजीम, तारीख में ऐसे बहुत से अजीम लोग पैदा हुए हैं जिनके बारे में उनके नजूमियों ने ये कहा था कि उनकी, उनको मार दिया जाए, लेकिन क्या है कि वो दुनिया के अजीम लोगों में से शामिल हुए. जैसे गौतम बुद्ध की मिसाल आप देख सकते हैं कि उसके पैदाइश पर उसके वालदेन को नजूमी ने बताया था, फॉर्चून टेलिंग की थी कि तुम्हारा शहजादा तुम्हारी बादशाहत के लिए इनकलाब लेकर आएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें उसमें मंसूब की जाती हैं. तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ा. उसके बाद बेटे यहाँ वी कैन रीड बिलीव्ड इन ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स नंबर 13 एटसेट्रा. बहुत सारी इसमें सुपरस्टिशंस की एग्जांपल दी गई है कि वो लोग कैसे इन चीज़ों पर यकीन करते थे. नाउ एज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द मॉडर्न पीपल, आज हम पढ़ते हैं कि मॉडर्न पीपल क्या करते हैं. थिंक दैट सुपरस्टिशंस आर बेसलेस, कि जितनी भी तुम परस्तियाँ बेसलेस हैं, इसका बेबुनियाद कोई ताल्लुक नहीं है. बिलीव इन फैक्ट्स नॉट इन ईविल स्पिरिट्स. वो लोग अब आज के दौर में हम ये जिन भूत, ये ईविल स्पिरिट्स, डेमोन्स जितने भी हैं, इन पर हम कोई यकीन नहीं करते हैं, बल्कि क्या है कि हकाइक पर. मॉडर्न पीपल थिंक समथिंग हैपनिंग और उसके पीछे व्हाट इज़ द फैक्ट बिहाइंड इट. देखिए हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे घर में हम बैठे हों, अचानक हम रात के एकदम लाइट से चली जाए, एकदम ज़ोर से खिड़की हमारी बचती हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम डर जाएं. हमारी रीजनिंग, हमारा फैक्ट कहता है कि ओहो अंधेरी चली होगी, शायद विंडो खुली रह गई. इन दिस वे हमने अपने माइंड को साइंटिफिक कंट्रोल के तावे किया और हमारी थिंकिंग बड़ी रैशनल हो गई है, फैक्चुअल बेस्ड हो गई है. Then a few people practice astrology and fortune telling.
जी चंद एक रह गए हैं जो इन इल्म नजूमियात पर और ये जो है अपने सितारों के इन गर्दिश पर यकीन करते हो, लेकिन बहुत हद तक दुनिया में से ये चीज़ें गायब हो गई हैं। एस्ट्रोलॉजी हम स्टडी करते हैं वो दूसरे लेवल पर, लेकिन इस तरफ नहीं कि सितारे और प्लैनेट इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। हमारी स्टडी होती है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए होती है। देन नॉट बिलीव, आज के दौर के इंसान बिलीव नहीं करते इन ब्लैक कैट ब्रोकन मिरर नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारे लेक्चर थे, इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह वी विल हैव अ प्रैक्टिस ऑन द अदर डे अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सिनोनिम्स। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।